कठुआ रेप कांड को लेकर फैसला आया है और 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, 7 आरोपियों में से 5 को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर, 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है, बाकी 2 आरोपियों को लेकर अभी तक सुनवाई जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कठुआ गैंगरेप मामले को लेकर मास्टरमाइंड सांझी राम को भी दोषी करार दिया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कठुआ गैंगरेप और हत्या का ये मामला है, मामले को लेकर पिछले 6 महीने से लगातार जो है सुनवाई हो रही है, लगातार कोर्ट की ओर से भी गवाहों की गवाही ली जा रही थी और तमाम चीजें जो है कोर्ट में चल रही थी। पहले जम्मू कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और उसके बाद अब पठानकोट कोर्ट में सुनवाई हुई और 7 आरोपियों में से 5 को दोषी करार दिया जा चुका है, जिसमें से 2 आरोपियों को लेकर अभी तक फैसला आना बाकी है। मास्टरमाइंड सांझी राम भी दोषी करार दिए गए हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मामले को लेकर पिछले 6 महीने से लगातार सुनवाई जारी है। इसमें आनंद दत्ता, दीपक खजूरिया, तिलक राज, सुरेंद्र प्रवेश, भाई विशाल को छोड़ दिया। हाँ, विशाल को छोड़ दिया। लेट द जजमेंट कॉपी कम देन। विशाल सांझी राम, विशाल भाई फैसला दे दी। विशाल सांझी राम, ठीक, विशाल को छोड़ दिया है। हाँ जी, विशाल को छोड़। बाकी 6 आरोपी घोषित हो चुके हैं, अभी सजा भी सुनाई जाएगी। नो एविडेंस अगेंस्ट प्रॉपर नो, आई कांट टेल एनीथिंग राइट नाउ। लेट द व्हाट अबाउट द अदर जजमेंट कॉपी कम देन आई विल टेल।